मार्जिनल कॉस्टिंग में आज का हमारा विषय है ब्रेक इवन एनालिसिस, समविच्छेद विश्लेषण। समविच्छेद विश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, समविच्छेद तथा विश्लेषण। किसी भी संस्था में समविच्छेद से आशय उस स्तर बिक्री के उस लेवल पे होता है जहाँ पे कंपनी को या संस्था को ना कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है, अर्थात नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, यानी जहाँ पर उस संस्था की विक्रय उसकी टोटल कॉस्ट के बराबर है। प्रबंध के निर्णयों के लिए जब इसका विश्लेषण करके प्रबंधकों के सम्मुख रखा जाता है तो इसे समविच्छेद विश्लेषण कहते हैं। यानी हम जो ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन या कॉस्ट और सेल्स के जो रेशियो को जब विश्लेषण के लिए मैनेजमेंट को काम में लेता है तो फिर उसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस या समविच्छेद विश्लेषण कहते हैं। यह वह टेक्निक है जिसके अंतर्गत क्रिया के किसी भी स्तर पर संभावित लाभ को निर्धारित किया जाता है। उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत, परिणाम, लाभ तथा विक्रय मूल्य में इस विश्लेषण द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है। इसके जो मुख्य अंग है समविच्छेद विश्लेषण के लिए, जिन मुख्य चीज़ों को हम काम में लेते हैं वो है हमारी फर्स्ट अंशदान कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो लाभ मात्रा अनुपात, समविच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये चार वो मुख्य अंग है जिसको समविच्छेद विश्लेषण करते समय काम में लिया जाता है। पहला है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन अंशदान से आशय है कि जब हम विक्रय राशि में से सीमांत लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं तो जो राशि बचती है वह हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन या अंशदान कहलाती है। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, जो भी हम वर्ड यूज़ करना चाहें, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। या फिर इसका एक फॉर्मूला और भी हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूशन का फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट शीट को हम चार भागों में यदि बांटें तो सेल्स के हमारे चार एलिमेंट होते हैं। एक हमारा होता है सेल्स, इसमें से हम लेस कर देंगे यदि प्रॉफिट तो हमारी कॉस्ट निकल जाएगी। इस कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन चार एलिमेंट को हम देखें तो यहाँ पर सेल्स में से वैल्यू कॉस्ट घटा देते हैं तो जो निकलेगा वो हमारा एक आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो चूंकि हमारे चार पोर्शन होते हैं सेल्स प्रॉफिट वैल्यू कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो सेल्स में से वैल्यू कॉस्ट घटा देंगे तो निकल जाएगा, या फिर हम फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे या हम लॉस को घटा देंगे तो भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो इक्वेशन फॉर्म में देखेंगे तो सेल्स माइनस वैल्यू कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और यदि लॉस है तो उसे लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाता है अंशदान कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जांपल लेके यहाँ समझाया हुआ है कि यदि वैल्यू कॉस्ट, जैसे किसी संस्था की बिक्री हमारी सेल्स जो हमको दे रखी है वो है हमारी 51,600 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 34,400, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाएगा 51,600 माइनस 34,400 यानी 17,200। ये सबसे बेसिक और सबसे इनिशियल हमारा वैल्यू है जो हमें ज्ञात करनी है समविच्छेद विश्लेषण के लिए। मार्जिनल कॉस्ट की हमको इक्वेशन जिस मैंने जो बताई थी, तो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन दो तरह से हो सकता है, एक सेल्स माइनस वैल्यू कॉस्ट या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी पूरी इक्वेशन हम देखें तो कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वैल्यू कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कुछ और भी तरीके इसमें समझाए हुए हैं कि सेल्स और वैल्यू कॉस्ट की क्या आपस में रिलेशनशिप हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारी मूल्य आता है, जो अंग है हमारे ब्रेक एनालिसिस का, वो है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो लाभ मात्रा अनुपात। लाभ मात्रा अनुपात से आशय लाभ व मात्रा का अनुपात है, यानी लाभ का मात्रा पे यहाँ पे लाभ से आशय है अंशदान से और मात्रा पे यहाँ पे आशय है बिक्री से। सही मात्रा में लाभ मात्रा अनुपात का मतलब होता है अंशदान विक्रय अनुपात होना। जैसे बेसिक जो नाम है वो अपना, वैसे तो लाभ मात्रा अनुपात बोलते हैं पर इक्वेशन फॉर्म में याद करना चाहें तो इसका हमारा फॉर्मूला बन सकता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो हमारा
फॉर्मूला इसमें बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी सी अपॉन एस इंटू 100। सी निकालने का फॉर्मूला अपन ने अभी डिस्कस किया ही था, या तो हम निकालेंगे एस माइनस वी से, या हम निकालेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। तो हमारा फॉर्मूला ऐसे ही बन सकता है कि सेल्स माइनस वैल्यू कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। ये फॉर्मूला भी हमारा हो सकता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का। क्योंकि सेल्स में से हम वैल्यू कॉस्ट को घटाने पे कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, तो पीवी रेशियो, यदि क्वेश्चन में हमको वैल्यू कॉस्ट का रेशियो दे रखा है तो पीवी रेशियो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब यदि प्रश्न में हमको वैल्यू कॉस्ट रेशियो दे रखा है तो हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। यानी प्रश्न में यदि और कोई सूचना नहीं है, सिर्फ हमको वैल्यू कॉस्ट टू सेल्स रेशियो दे रखी है, तो इसको आप यदि 1 में से लेस कर देंगे तो भी हमारा पीवी रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कॉस्ट टू सेल्स रेशियो का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे यहाँ पे इन्होंने सूचना दे रखी है, इस निम्न सूचना से आपको निकालना है पीवी रेशियो। तो यहाँ पे सेल्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हमारा निकल जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी एस माइनस वी। यहाँ पे सेल्स दे रखी है हमें 20,000 रुपये, वैल्यू कॉस्ट है हमारी 12,000, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा हमारा 8,000 रुपये। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला था हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया यहाँ पर 8,000, सेल्स है हमारी यहाँ पर 20,000 इनटू 100। यानी रेशियो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 40% ऑफ सेल्स। तो यहाँ पीवी रेशियो जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है, वो हमारा सेल्स का 40% हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। निकालते समय यदि सूचना आपकी इस तरह से दे रखी हो कि यदि हमें दो अवधियों की बिक्री और लाभ दिया हुआ है, यानी दो विभिन्न लेवल की सेल्स और विभिन्न लेवल का यदि इनको प्रॉफिट दे रखा है, सूचना हमें सिंपल सेल्स वैल्यू कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट की नहीं है, तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा अलग होगा। तब हमारा फॉर्मूला होगा पीवी रेशियो का चेंजेस इन प्रॉफिट, या फिर कंट्रीब्यूशन जो भी सूचना प्रश्न दे रखी है, डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे एक एग्जांपल मैं आप ले रही हूँ, तो ये सपोज सेल्स दे रखी है, इसमें दो लेवल दे रखे हैं, एक आपको 2019 और एक 2020। 2019 के लिए सेल्स दे रखी है 1,00,000, 20 के लिए 1,50,000, प्रॉफिट दे रखा है 10,000 और 20,000। यदि ऐसी सूचनाएं हैं तो फिर हमारे पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज हम निकालेंगे तो चेंज इन प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 20,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स हो जाएगा हमारा 1,50,000 माइनस 1,00,000 इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 10,000 से, सेल्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है 50,000 से, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 20% ऑफ सेल्स। यदि आपको दो लेवल की सेल्स दे रखी है तो फॉर्मूला हमारा चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंज टू सेल्स इनटू 100 से हो जाएगा, और यदि एक ही ईयर की सूचना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट की जगह पर, कभी कभी हो सकता है हमको प्रॉफिट की जगह कॉस्ट दे रखी हो, तो उस सिचुएशन में हम सेल्स में से पहले कॉस्ट को घटाकर प्रॉफिट याद करेंगे, और प्रॉफिट निकालने के बाद फिर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे।
अब पीवी रेशो के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, किस किस काम में आता है पीवी रेशो, तो फर्स्ट से मेन जो है वो पीवी रेशो काम में आ सकता है आपका समविच्छेद बिंदु की, समविच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए मेन हमें जिसका विश्लेषण करना है समविच्छेद ज्ञात करने के लिए पीवी रेशो की हमें आवश्यकता होती है, उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि किसी संस्था के लाभ कमाने की गति ज्ञात करनी हो तो भी हमारा पीवी रेशो एनालिसिस के रूप में काम में लिया जाता है। इस अनुपात की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि विशेष राशि कमाने के लिए कितनी बिक्री होनी चाहिए या किसी विशेष बिक्री के स्तर पर कितना लाभ हो रहा है। ये दोनों ही राशि ज्ञात करने के लिए भी हमें पीवी रेशो की आवश्यकता होती है। इस अनुपात की सहायता से हम विभिन्न विभागों की उत्पाद की आपस में तुलनात्मक रूप से लाभदायकता भी जाँच कर सकते हैं और इस पीवी रेशो से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी चेंजेस यानी स्थायी संपत्ति के पुनर्स्थापन करने में किसी भी चीज में कोई चेंजेस यदि हो रहा है तो उसका टोटल ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए भी पीवी रेशो काम में लिया जाता है। तो कुछ मेन जैसे चार कब कब काम में आ सकता है, तो यदि वैल्यू कॉस्ट हमको रेशो निकालना हो, यहाँ पे वैल्यू कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा या तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इस तरीके से, सेल्स माइनस सेल्स इंटू पी वी रेशो, या तो हम ये फार्मूला काम में ले सकते हैं या फिर हम फार्मूला ले सकते हैं, वह फार्मूला इसका काम में ले सकते हैं सेल्स इंटू वन माइनस पी वी रेशो। इन दोनों में से किसी भी एक फार्मूले को काम में लेकर हम वैल्यू कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें पी वी रेशो और सेल्स दे रखी हो। प्रॉफिट निकालना हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा पी वी रेशो इंटू सेल्स, इससे हमारा निकल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा और प्रॉफिट घटाएंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। यानी हम पीवी रेशो को जब भी इनटू करते हैं सेल्स से तो जो राशि हमारी निकलती है वो कहलाती है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा और कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जिसके लिए पीवी रेशो काम में लाया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा समविच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये विक्रय का वह स्तर है जहाँ पर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में होती है, अर्थात जहाँ पे हमारी विक्रय मूल्य हमारी लागत के बराबर होता है। यहाँ कंपनी ना तो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है और ना ही हानि हो रही होती है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट किसी संस्था में जितना कम स्तर पे होता है उतना ही उसकी लाभदायकता अधिक होती है और जितना अधिक स्तर पे होता है उतना ही वहाँ पर उसकी लाभदायकता कम हो जाती है। तो किसी भी संस्था में डिसीजन के लिए ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बिंदु की गणना दो तरह से की जा सकती है, वैल्यू के रूप में या यूनिट्स के रूप में। या तो मूल्य निकालेंगे कि हमारा समविच्छेद बिंदु कितने मूल्य का होना चाहिए, या हम निकालते हैं कितनी इकाइयों का होना चाहिए। यदि हमें वैल्यू में निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, और यदि हमें इसको इकाइयों में निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स पर यूनिट माइनस वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट यदि आपको निकालना इन वैल्यू रुपीज़ में चाहिए तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। वैसे कोई भी फार्मूला, चाहे आपका बीपी निकालना हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी हो, सेल्स निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, यदि आपको वैल्यू में निकालना है तो हमेशा उस पर्टिकुलर फिगर को हम डिवाइड करेंगे पीवी रेशो से, और यदि हमको इन यूनिट्स निकालना है, बीईपी इकाइयों में ज्ञात करना है, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारा वही था सेल्स माइनस वैल्यू कॉस्ट, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेल्स इन यूनिट, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारा निकल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे तब जब हमको वैल्यूज़ भी निकालना हो, और ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे तब जब हमको समविच्छेद बिंदु इकाइयों में निकालना हो। यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं है तो हमें वैल्यू और इकाइयां, यदि सूचना दे रखी है और ये नहीं कहा गया कि इसमें निकालना है तो हमें दोनों ही राशि निकाल कर दिखानी है।
ये कुछ मेन मेन मैंने फार्मूले आज डिस्कस किए हैं, कुछ मुख्य फार्मूलों के मैंने आधे ही ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, तीन ही फार्मूले किए, ताकि इनको आप पढ़ के देखिए एक बार, इनको याद कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर हम अगले वीडियो में इसके फार्मूले पूरे करेंगे। एक बार मेरे पापा से रिवाइज़ कर देती हूँ हमने कौन कौन से फार्मूले डिस्कस किए हैं। उसमें पहला फार्मूला है हमारा जो ध्यान रखना है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसका फार्मूला होता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दूसरा हमारा फार्मूला है पी वी रेशियो का, जिसका फार्मूला है इसका फार्मूला है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तीसरा जो फार्मूला है वो है हमारा पी वी रेशियो ही, जब हमको जब दो लेवल की सेल्स दे रखी हो तो फार्मूला हमारा हो जाएगा चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज टू सेल्स इंटू 100। चौथा फार्मूला जो हमको ध्यान रखना है वो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का, वो यदि हमको निकालना है रुपीज़ में तो हमारा फार्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी रेशियो, यदि हमको निकालना है इकाइयों में तो हमारा फार्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये पांच फार्मूले आपको अच्छे से देखने और लर्न करने हैं, तो हम अगले वीडियो में आगे के फार्मूले देखेंगे। आज के लिए इतना ही।